लेक्चर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने कल चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका एक्सपेक्टेशन था, आपके साथ जो निर्धारित किया था वैसा परफॉर्मेंस मैं नहीं कर रहा हूं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट आई एम नॉट परफॉर्मिंग माय एक्ट एट हेंस अदर पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। When there is a breach of contract, then question of damages will arise. कौन से तरीके के damages pay किए जाते हैं? कल हमने देखा था, सबसे पहले ordinary damages, special damages, nominal damages, deterioration of delay, vindictive damages, liquidated damages, ये सब तरीके के damages आपको pay करने पड़ते हैं। First of all, how to calculate? डैमेजेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? फ्रेंड्स रिमेंबर दैट ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था गुड्स परचेस का। ए ने बोला था मैं सेल करूंगा, बी ने बोला था मैं परचेस करूंगा। ए सेल गुड्स टू बी, ए बी से एग्री हुआ था मैं आपको सेल करूंगा। तब फ्रेंड्स मार्केट प्राइस कम हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो बायर क्या सोचेगा, बी क्या सोचेगा, ए से क्यों ले, चलो ना मार्केट में ले ले, इन्हें 100 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोली है, मार्केट में 80 रुपीज में मिल रहा है। जब मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से तब बायर ब्रीच करता है। इसीलिए जब बायर ब्रीच करेगा तब बायर सेलर को डैमेजेस पे कर देगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना होगा? हम पैरासीटामोल को पीसीएम बोलते हैं और यहाँ पे हमको बीसीएम बोलना है। बायर ब्रीच करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, हमने 100 में बुकिंग करवाया था मार्केट में 80 में मिल रहा है, तो मैं 20 रुपीज सेलर को पे करूंगा। हाउ टू कैलकुलेट डैमेजेस, हु ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट फ्रेंड बायर ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। बायर जब ब्रेक करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो बायर सेलर को कंपेंसेशन पे करेगा। कितना पे करेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। बुकिंग प्राइस 100 था, मार्केट प्राइस 80 हो गया, तो 20 का अभी सेलर को लॉस जा रहा है, तो 20 रुपीज है वो बायर सेलर को पे करेगा। बीसीएम बीसीएम बीसीएम, बायर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। आपका 100 इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 80 इज द मार्केट प्राइस, 20 रुपीज बायर सेलर को पे करेगा। रिवर्स सिचुएशन, बुकिंग 100 में था, मार्केट प्राइस बढ़ गई 125 हो गई, सेलर सोचेगा 125 में परचेस करूं 100 में दूं, चलो कुछ बहाना निकाल के ब्रीच कर दूं। अभी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी तो सेलर को सेल करना अच्छा नहीं लगेगा, वो बी को 100 में दे, उससे अच्छा है दूसरा मरगा लाइन में खड़ा है उसको 100 में दे, 125 में दे दे। मार्केट प्राइस बढ़ती है, सेलर दूसरे किसी को बेचेगा तो उसको हायर प्राइस मिलेगा, सेलर जो परचेस करता होगा वो भी हायर प्राइस में आएगा, इसीलिए सेलर ब्रेक करेगा। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, सेलर जब ब्रीच करेगा तब मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेलर ब्रीच करेगा मार्केट प्राइस 125 माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100, 25 विल बी डैमेजेस। बीसीएम एंड एस एम सी पैरासीटामोल बीसीएम, बायर करेगा कॉन्ट्रैक्ट माइनस मार्केट, सेलर करेगा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मार्केट माइनस कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी द डैमेजेस। लेकिन इट इज अ ड्यूटी, ये आपका ड्यूटी है डोमिसी का कि लॉस को मिनिमाइज करे। क्यों? समझो कि डोमिसी ने बोला था मैं आपको गुड्स गोडाउन में देके जाऊंगा, जब प्रोमिसर आएगा उसका बंदे को वो भेजा होगा, उसका आदमी आया होगा, तब प्रोमिसर के आदमी ने गोडाउन में रखने की जगह बाहर ओपन स्पेस खुली जगह में रख दिया, बाद में बादल दिख रहे थे, बारिश आ रही थी, प्रोमिसी प्रेजेंट था, प्रोमिसी की प्रेजेंस में ही बारिश आई और पूरा गुड्स लॉस हो गया, तो क्या प्रोमिसी पेमेंट नहीं करेगा? नहीं, करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोमिसी की निग्लिजेंसी है। प्रोमिसर मजदूर को बुला के गुड्स बाहर से अंदर ले सकता था, प्रोमिसी मैक्सिमम प्रोमिसर के पास से लेबर चार्जेस कलेक्ट कर सकता था,
नहीं कि पूरा गुड्स का अमाउंट। प्रॉमिस का मिस्टेक है, उससे बाहर रख दिया है, लेकिन प्रॉमिस का जस्टिस की वजह से, ह्यूमैनिटी की वजह से वो गुड्स अंदर लेना है, और नहीं लेगा तो प्रोमिसी को सफर करना पड़ेगा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू मिनिमाइज द लॉस। प्रोमिसर का मिस्टेक था, गोडाउन की जगह बाहर गुड्स रखा है, तो वो कोई चुरा के ले न जाए, बारिश न हो, ऐसी वजह से गुड्स बिगड़े नहीं, उसके लिए अंदर लेना है, लेकिन नहीं लेगा तो प्रोमिसी को पे करना पड़ेगा। If the promiser delivers the goods in open space instead of go down, promiser can claim labor charges for transferring the goods. Go down की जगह open space में goods रखा था, go down की जगह पे open space में goods रखा था, promiser क्या कर सकता है? Maximum labor charges for transferring go down. Go down में ले जाने का labor charges ले सकता है, not more than this. If goods lost in the presence of the promiser, he has not taken any step for minimize. प्रोमिसी के प्रेजेंस में गुड्स लॉस हुआ, पानी में जा रहा था, प्रोमिसी देख रहा था, ताली फाड़ रहा था, प्रोमिसर विल नॉट पे द डैमेजेस, प्रोमिसर डैमेजेस पे नहीं करेगा। रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन से रास्ते निकल सकते हैं? प्रोमिसर ने बोला था परफॉर्म नहीं किया तो प्रोमिसी क्या कर लेगा? प्रोमिसी के पास कौन से रास्ते हैं? तो जो पार्टी ब्लॉक कर रही है, वन पार्टी ब्लॉक अंदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी एब्सोल्ड, ए ने परफॉर्म नहीं किया, बी मुक्त हो जाएगा, बी एब्सोल्ड हो जाएगा एंड स्यू फॉर कंपेंसेशन। ए ने परफॉर्म नहीं किया है तो बी रिलीव हो गया, बी परफॉर्म नहीं करेगा एंड बी है वो कंपेंसेशन के लिए ए पे मुकदमा चलाएगा, सीयू करेगा। ए प्रॉमिस टू डिलीवर बट फेल्ड, ए ने बोला था मैं आपको दूंगा लेकिन नहीं दे पाया, फेल्ड हुआ, तो अब बी रिलीव और बी ए पे सीयू करेगा। फ्रेंड्स, शूट अपॉन क्वांटम मेरिट, समवॉट टिपिकल कंसेप्ट, शूट अपॉन क्वांटम मेरिट यानी एज मच एज ऑन, जितना फायदा मिला है ना उतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने ब्रीच किया है तो मैं कुछ पे ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। जितना बेनिफिट लिया है ना उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट सूट अपॉन क्वांटम मेरिट में दो वर्ड याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या होता है इसमें, मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्टी एट फॉल्ट एंड पार्टी नॉट एट फॉल्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल एंड कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिविजिबल, ये सिचुएशन है। समझो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने मेरे घर के 5 rooms आपको रिपेयरिंग करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए दिया था, तो 5 room में से आपने 2 room कंप्लीट किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। जहां पे 2 room अलग 3 room अलग हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। मैंने मेरा एक होल था वो आपको रिपेयर करने के लिए दिया था, आपने आधा किया आधा बाकी था, कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिविजिबल है। जो पार्टी करने का मना बोल रहा है ना वो पार्टी एट फॉल्ट है। आपने मना बोला है तो आप पार्टी एट फॉल्ट है, मैंने मना बोला है तो मैं पार्टी एट फॉल्ट हूं। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है ना फ्रेंड्स, तो लिख देना कंपेंसेशन क्लेम हो सकता है, वेदर पार्टी एट फॉल्ट और पार्टी नॉट एट फॉल्ट। आपने मना बोला है, मैंने मना बोला है, लेकिन 5 room वाला एग्जांपल है ना, आपने 2 room का जो पीओपी किया है ना, रिपेयर किया है ना, प्लास्टर किया है ना, उसके मनी ले ही सकते हो। आपने मना बोला, आपने डिफॉल्ट किया, मैंने डिफॉल्ट किया, उसका मतलब नहीं है। हाँ, मैंने मना बोला है तो आप मुझे 2 room का रिपेयर का चार्जेस और एक्स्ट्रा कंपेंसेशन लोगे। आपने मना बोला है तो 2 room का जो चार्जेस आप मांगोगे ना तो मैं आपके पास से बाकी के 3 room का कंपेंसेशन डिडक्ट करूंगा और बाकी का अमाउंट पे करूंगा। आपको मैंने 20,000 में काम दिया था, दूसरे को 25,000 में दूंगा 3 room का काम, तो 5,000 का मुझे नुकसान जाएगा, वो आपका मैं 5,000 रुपया काट के आपको पेमेंट करूंगा। देखो, डिविजिबल है तो बोथ पार्टी कैन क्लोट एंड नॉट डिविजिबल है तो पार्टी एट फॉल्ट कभी क्लेम नहीं कर सकती,
पार्टी नॉट एट फॉल्ट ओनली कैन क्लेम, पार्टी नॉट एट फॉल्ट ओनली कैन क्लेम। समझो कि ए ने बी को 5 rooms रिपेयरिंग के लिए दिए थे और पर रूम 10,000 प्राइस था, तो अभी डिफॉल्ट किसने किया है? डिफॉल्ट समझो ए ने किया है, तो ए क्या करेगा, 2 रूम खत्म हुए उसका 10,000 पे करेगा, प्लस बी के मजदूर है वो फ्री बैठेंगे उसका लमसम पेमेंट करेगा, टोटल 26,000 का पेमेंट करेगा। लेकिन डिफॉल्ट बी ने किया तो 2 रूम का जो 20,000 है ना, उसमें से बाकी के 3 जो रूम बाकी है ना, उसका लमसम डिडक्ट करके 15,000 का कंपेंसेशन ले पाएंगे। बी ने डिफॉल्ट किया है तो कंपेंसेशन डिडक्ट करके आपको लेना है, ए ने डिफॉल्ट किया है तो जो काम हुआ है प्लस कंपेंसेशन दोनों साथ में मिला के पेमेंट करना है। उसका मतलब यही हुआ, आपने काम किया आधे में से बंद किया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता जल जा कुछ नहीं देना है, ऐसा नहीं बोल सकता, जितना बेनिफिट मैंने लिया है अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। सूट अपॉन क्वांटम में एज मच एज, जितना बेनिफिट मिला है उतना हमें अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे। वन पार्टी स्टार्टेड द वर्क, आप मेरे वहां आए, आपने मेरे रूम का काम स्टार्ट किया, बट बिफोर कंप्लीशन आपने अभी काम कंप्लीट नहीं किया था, अदर पार्टी मैंने आपको प्रिवेंट किया, फर्स्ट पार्टी यानी आप, मैंने आपको प्रिवेंट किया इसीलिए आप डिस्चार्ज हो जाओगे। आपने काम स्टार्ट किया कंप्लीट नहीं किया था, मैंने आपको रुकावट खड़ी की, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। और आपने जो काम किया है उसका वैल्यू ऑफ वर्क डन आप उससे कलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप नॉट एट डिफॉल्ट है। मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ा है, बाद में आप पढ़ने नहीं आओगे तो आप ही एट डिफॉल्ट है, मैं नहीं हूं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट बोल रहा है, मैं नहीं। अभी कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है एंड पार्टी एट डिफॉल्ट है तो भी क्लेम हो सकता है। देखो पार्टी एट नॉट डिफॉल्ट में डिविजिबल नॉट डिविजिबल का पार्ट ही नहीं है। 2 वर्ड याद रखो, अपने दिमाग में लिखो, बुक में लिखो, नॉट डिफॉल्ट पार्टी ऑलवेज कैन क्लेम वेदर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल एंड नॉट डिविजिबल। देखने की जरूरत नहीं, वहां क्यों देखते हो, मैं बोलता हूं नॉट डिफॉल्ट ऑलवेज कैन सी यू, बट पार्टी एट डिफॉल्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो ही सी यू होगा, बाकी सी यू नहीं होगा। पार्टी एट डिफॉल्ट ऑल्सो कैन क्लेम द डेमेजेस, लेकिन वो कंपेसेशन काट के, 2 रूम का काम आपने किया बाकी आपके मजदूर कोरोना में भाग गए, आपने बोला सर हम नहीं कर पाएंगे, तो ये 3 रूम का काम और किसी को मैं दूंगा तो महंगा दूंगा, तो मुझे जो लॉस जाएगा वो आपके 2 रूम के प्राइस में से मैं काट लूंगा। क्वांटम मेरिट केसेस अराइज होता है, समझो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, आपने 2 रूम का काम किया था, बाद में कुछ साइक्लोन आया पूरा मकान गिर गया, आपने वॉलंटरीली काम नहीं किया है, ग्रेटिट्यूस नहीं किया है, मैंने बेनिफिट एंजॉय किया ही था तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। वर्क इज कंप्लीटेड सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड वॉइड, पार्टी वो रिसीव द बेनिफिट मस्ट पे द कंपेंसेशन टू द अदर पार्टी। आपने काम खत्म कर दिया, मैंने आपको एक जगह दिखाई, मैंने बोला यहाँ पे मैं मकान बना के दो, आपने मकान बना के दिया, बाद में गवर्नमेंट बोला ये तो कॉमन प्लॉट था आपने क्यों बनाया, तो मैं पूरा गवर्नमेंट आके मैं मकान तोड़ के जाएगी तो मैं क्या आपको पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा। पार्टी वो रिसीव द बेनिफिट, आपने मेरे लिए मकान बनाया था, मुझे तो आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा, वो रिसीव द बेनिफिट मस्ट पे द कंपेंसेशन। लेकिन आपने वो काम स्वैच्छिक नहीं किया होना चाहिए, वर्क is done or delivered not gratuitously, आपने स्वैच्छिक voluntary नहीं किया होना चाहिए। मैं other person bound to make the payment करने के लिए जवाबदार हूं, if he यानी मैं accept such services or goods and enjoy the benefit, मैंने benefit लिया हुआ है तो मुझे payment करना पड़ेगा, मुझे payment करना पड़ेगा। अगेन रिपीट, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी एट फॉल्ट मेस यू फॉर द वर्क डन, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टी एट फॉल्ट है वो सीव कर सकती है। एक्स रॉन्गफुली डिलीवर 50 बैग्स इंस्टेड ऑफ 100, आपने 100 बैग्स बोला था, मैंने 50 सप्लाई किया था,
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो जगह पे कंपेंसेशन सफिशियंट नहीं है, जहां पे कंपेंसेशन पर्याप्त नहीं है, आपकी शादी है, पहली बार है, धूमधाम से है, तो आपके वहां रिसेप्शन में आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था आपने, आइसक्रीम वाला भूल गया, 2 घंटे से पहले बोलता है वो, तो आइसक्रीम नहीं हो पाएगी, आप क्या करोगे? कंपेंसेशन मांगोगे? आपकी रेपुटेशन का क्वेश्चन है, आपकी शादी में आइसक्रीम भी नहीं था, अरे बाप रे, आपका रेपुटेशन लॉस हो जाएगा, आप क्या करोगे? आप उसको बोलो ये गधे कहीं से भी परचेस कर, मैं एक ही बार धूमधाम से शादी करूंगा, आज तुझे आइसक्रीम देना ही पड़ेगा, यहाँ पे डैमेजेस है वो सफिशियंट है ही नहीं, जहां पे डैमेजेस सफिशियंट नहीं है वो रात के रात को भी कोर्ट ओपन करवा के आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, बट डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट, जहां पे नुकसान भरपाई पर्याप्त नहीं है, कोर्ट हैज इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट अपने इरादे से डायरेक्ट टू द पार्टी डेयरी वाले को बोलेगा, आइसक्रीम वाले को बोलेगा परफॉर्म द प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस परफॉर्म करना ही पड़ेगा, दैट इज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर इंजक्शन, इंजक्शन मीन्स कोर्ट ऑर्डर, इंजक्शन मीन्स कोर्ट ऑर्डर। व्हेन नेगेटिवेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स नेगेटिव है, आप ए प्रोड्यूस नहीं करना, मैं बी प्रोड्यूस नहीं करूंगा, कोर्ट मे रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग, तो कोर्ट को आप रुकावट खड़ी कर सकते हो नॉट टू प्रोड्यूस ए और बी। आपने बोला था मैं सीए का क्लास नहीं करवाऊंगा, मैंने बोला मैं बीकॉम का नहीं करवाऊंगा, आपने सीए का स्टार्ट कर दिया, तो आपके वहां कोर्ट आएगी, ए बंद कर नेगेटिव एक्ट, आपने बोला था मैं नहीं करूंगा, आप क्यों कर रहे हो? सूट फॉर इंजक्शन। तो रेमेडीज क्या है आपके पास? एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, आपका सबसे पहला रेमेडी है क्वांटम मेरिट, जितना बेनिफिट मिला है उतना रिटर्न कर दो। दूसरा रेमेडी है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, और तीसरा है सूट फॉर इंजक्शन, आप उसको मना बोल के रुकावट खड़ी कर दो, बंद करवा दो। नेगेटिव एक्ट होता है ना, वहां पे पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, कौन से तरीके के डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं वो देखा था, आज हमने डैमेजेस कैसे काउंट किए जाते हैं वो देखा, और एक बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा आप डैमेजेस के अलावा और क्या क्या कर सकते हो, यानी व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू द प्रोमिसी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द प्रोमिसर। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जितना मिला है बेनिफिट उतना पे करना ही है, मैंने मिस्टेक की है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो मैं क्लेम कर पाऊंगा, लेकिन डिविजिबल मैंने मिस्टेक नहीं की, आपने की है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है मैं क्लेम कर पाऊंगा, मेरा मिस्टेक तो डिविजिबल, मेरा मिस्टेक नहीं तो दोनों मैं क्लेम कर पाऊंगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकते हो, जहां डैमेजेस पर्याप्त नहीं है वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना पड़ता है। तो इंजक्शन, कोर्ट ने मना बोला, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट में जाके आप किसी को बंद करवा सकते हो, सूट फॉर इंजक्शन। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, शेयर सब्सक्राइब, पूरा वीडियो सुनो पहले से लास्ट तक, और सभी वीडियो लेक्चर 1 से सुनो तो ही आपका सब्जेक्ट में मास्टरी आएगा। थैंक यू वेरी मच।